दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरा लिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में एक कंप्यूटर चिप लगाई है। केंद्र सरकार ने गैर यूरिया उर्वरकों को भी मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत शामिल किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की। ओडिशा ने गौण वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शुरू की। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने स्ट्रैटेजिक ट्रेड कंट्रोल विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। फूड सिस्टम इकोनॉमिक्स कमीशन ने द इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट जारी की। अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरा लिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में एक कंप्यूटर चिप लगाई है। न्यूरा लिंक कंपनी ने एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI विकसित किया है। इसे इंसान के दिमाग में प्रत्यारोपित यानी इम्प्लांट किया जा सकता है। इससे इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन संभव हो सकेगा। न्यूरा लिंक के पहले प्रोडक्ट को टेलीपैथी कहा जाएगा। इससे उपयोगकर्ता केवल सोचकर कंप्यूटर या फोन को नियंत्रित कर सकेंगे। BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो इंसानी दिमाग के सिग्नल्स को कैप्चर कर अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे कंप्यूटर, फोन आदि को नियंत्रित करती है। ये तकनीक तीन तरीके से काम करती है। पहला, सिग्नल कैप्चर करना। BCI इलेक्ट्रोड या सेंसर के जरिए इंसानी दिमाग के सिग्नल्स को कैप्चर करती है। दूसरा तरीका है सिग्नल प्रोसेसिंग। इंसानी दिमाग से कैप्चर किए गए इन सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है और दिमाग में चल रही गतिविधियों का पता लगाया जाता है। तीसरा तरीका है ट्रांसलेशन। सिग्नल्स को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त जानकारी को एक कमांड के रूप में डिवाइस में भेजा जाता है। इन कमांड्स में माउस के कर्सर को इधर उधर करना, कृत्रिम अंग को नियंत्रित करने जैसी चीजें शामिल हो सकती है। BCI के क्या क्या उपयोग है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल। इससे गंभीर न्यूरोमस्कुलर डिजीज जैसे पक्षाघात या पार्किंसंस जैसे रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को मदद मिलेगी। मानवीय क्षमताओं को बढ़ाना। इससे दृष्टिहीनता के इलाज, मोटर फंक्शन और बोलने एवं वृद्धावस्था से जुड़ी शारीरिक चुनौतियों के समाधान में मदद मिलेगी। देश की रक्षा प्रणाली में सुधार। इससे युद्ध क्षेत्र से जुड़ी वास्तविक स्थिति के बारे में बेहतर समझ मिल सकेगी और ऑटोनॉमस सिस्टम को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। अब बात करते हैं इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में। पहला है तकनीकी चुनौतियां। इंसानी दिमाग की प्रकृति बेहद जटिल होती है, ऐसे में इसके सिग्नल्स को प्राप्त करने में कई कठिनाइयां आएंगी। दूसरी है नैतिक चिंताएं। इसमें संवेदनशील ब्रेन डेटा की सुरक्षा, उस तक अनधिकृत पहुंच को रोकने, जानकारी के आधार पर सहमति दी गई है या नहीं आदि से जुड़ी चिंताएं शामिल है। और तीसरी चुनौती है दिमाग की सुरक्षा। ऊतक की क्षति, दिमाग के दौरे, संज्ञानात्मक नुकसान, कनेक्टेड उपकरणों की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान जैसे अनचाहे प्रभावों को रोकने में चुनौतियां आ सकती हैं। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। केंद्र सरकार ने गैर यूरिया उर्वरकों को भी मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत शामिल किया। उर्वरक विभाग ने फॉस्फेटिक और पोटैश उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों यानी MRPs को तय करने वाले कारकों का मूल्यांकन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। फॉस्फेटिक और पोटैश उर्वरक पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले इन दिशा निर्देशों के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। डिफरेंशियल लाभ प्रतिशत, ये उर्वरक कंपनी के आधार पर तय होगा। उर्वरकों के मूल्य का निर्धारण बिक्री तक आने वाली कुल लागत के आधार पर किया जाएगा। उर्वरकों के लिए उचित MRPs को तय करने हेतु GST को शामिल नहीं किया जाएगा और ये भूतलक्षी यानी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। गैर यूरिया उर्वरकों के लिए मूल्य नियंत्रण के महत्व को समझते हैं। इससे किसानों को किफायती और उचित कीमतों पर उर्वरक प्राप्त होते हैं और साथ ही पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग भी सुनिश्चित होता है। चलिए खबर में अब आगे बढ़ते हैं और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस नीति को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत तैयार किया गया था। ये आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया है। इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया।
इस नीति के तहत प्रति किलोग्राम पोषक तत्व पर सब्सिडी प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एनबीएस के लिए पात्र प्राथमिक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर। सिफारिश की बात करें तो अंतर मंत्रालय समिति ने इस नीति की सिफारिश की थी। उर्वरक विभाग के सचिव इस समिति के अध्यक्ष थे। उर्वरक कंपनियों के लिए ये अनिवार्य है कि वे उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी के साथ उसके बैग पर MRP प्रिंट करें। खबर के आखिर में यूरिया और NBS पर सब्सिडी के बीच के अंतर को समझते हैं। वर्तमान में यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिसके मूल्य निर्धारण और वितरण पर वैधानिक रूप से सरकार का नियंत्रण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा घोषित MRP से अधिक मूल्य पर यूरिया नहीं बेच सकता है। यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान कंपनी से मार्केट में भेजी गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर किया जाता है, जबकि NBS का भुगतान उर्वरकों में इस्तेमाल की गई पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर किया जाता है। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की। भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन प्रोग्राम के निष्कर्षों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत हिम तेंदुए की आबादी का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाने हेतु पहला प्रयास किया गया है। इस प्रोग्राम को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साल 2019 में शुरू किया था। इसे ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम GSLEP के तहत पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड स्नो लेपर्ड पॉज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। GSLEP वस्तुतः हिम तेंदुओं के प्राकृतिक पर्यावास वाले सभी 12 देशों और कुछ गैर सरकारी भागीदारों का एक गठबंधन है। इसे 2013 में बिश्केक घोषणा पत्र के जरिए स्थापित किया गया था। खबर में आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। भारत में हिम तेंदुए की अनुमानित आबादी 718 है और इनकी सर्वाधिक आबादी लद्दाख में है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में हिम तेंदुओं के पर्यावास की 70% भूमि अभी भी संरक्षित नहीं है। इस रिपोर्ट में भारतीय वन्यजीव संस्थान में एक समर्पित स्नो लेपर्ड सेल की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही इसमें लैंडस्केप स्तरीय प्रबंधन योजना को अपनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। हिम तेंदुए के बारे में बात करें तो इसे अक्सर घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है। यह हिमालय पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला एक शीर्ष शिकारी जीव है। इसके सफेद धूसर शरीर पर बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। हिम तेंदुए मुख्य रूप से 12 देशों में पाए जाते हैं। इन देशों का नाम है अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल साइट्स के परिशिष्ट 1 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। इनके संरक्षण के लिए किए गए उपायों की बात करें तो GSLEP के तहत 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित किए गए हैं, हेमिस, स्पिति, नंदा देवी गंगोत्री और कंचनजंगा तवांग। दूसरा उपाय है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड और तीसरा सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए हिम तेंदुए को शुभंकर यानी मैस्कॉट बनाया गया है और इसे शी ने शी नाम दिया गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII को हिम तेंदुओं की आबादी के आकलन के लिए राष्ट्रीय समन्वयक संस्था बनाया गया है। इसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में हिम तेंदुओं के प्राकृतिक पर्यावास वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सहायता प्रदान की गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान को 1982 में देहरादून में स्थापित किया गया था। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है। इसके उद्देश्य है वन्यजीव संसाधनों के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना, वन्यजीव अनुसंधान के लिए सहयोग करना और विशेष वन्यजीव प्रबंधन योजनाओं पर सलाह देना। चलिए अब रुख करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर का। ओडिशा ने गौड़ वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शुरू की। ओडिशा सरकार ने 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित लाभ यानी लघु वन जातीय द्रव्य क्रय योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों का विकास और सशक्तिकरण करना है। इस योजना में महिला स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि गौड़ वन उपज MFP को एकत्रित करने का कार्य अधिकांशतः महिलाएं ही करती हैं।
एमएसपी के बारे में बात करें तो ये कृषि एवं गौड़ वन उत्पादों की खरीद के लिए सरकार की ओर से न्यूनतम मूल्य की एक गारंटी होती है। एमएफपीज में पादपों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले सभी नॉन टिम्बर वन उत्पाद शामिल होते हैं, जैसे कि बांस, ब्रश, वुड, बेंत, स्टंप, टसर आदि। इसमें बांस और बेंत इसलिए शामिल हैं क्योंकि इन्हें हाल ही में मौजूदा कानून में संशोधन करके घास के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत बांस और बेंत को वृक्षों के रूप में परिभाषित किया गया था। एमएफपी का महत्व ये है कि ये आदिवासी समुदाय के लिए आजीविका और नकद आय का प्रमुख स्रोत है। ये आदिवासियों के भोजन, फल, दवाइयों और उपभोग की अन्य वस्तुओं का भी मुख्य स्रोत होता है। चलिए आखिर में अब बात करते हैं एमएफपीज के लिए शुरू की गई केंद्रीय योजनाओं के बारे में। एमएसपी के जरिए एमएफपीज की मार्केटिंग के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत वर्तमान में 87 एमएफपीज को कवर किया गया है। वहीं पीएम वन धन योजना एमएसपी के जरिए एमएफपीज की मार्केटिंग के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास योजना का ही एक घटक है। इसका मुख्य उद्देश्य एमएफपीज के मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना है। अब बढ़ते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की तरफ। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन मुख्य रूप से स्कॉमिट तथा एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम से संबंधित भारत के स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल यानी रणनीतिक व्यापार नियंत्रण पर केंद्रित था। स्कॉमिट का पूरा नाम है विशेष रसायन ऑर्गेनिज्म सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी। इसके अलावा इस सम्मेलन में दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं, सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात से संबंधित नियमों के पालन को सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल के तहत उन वस्तुओं पर नियंत्रण रखा जाता है जिनके व्यापार के लिए लाइसेंस लेने या सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, जैसे कि रासायनिक और जैविक पदार्थों का व्यापार, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं में नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाता है। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं को स्कॉमिट नाम दिया गया है। स्कॉमिट से संबंधित नियंत्रण क्या है, चलिए उस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकियों सहित दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का निर्यात या तो प्रतिबंधित है या फिर इनके निर्यात के लिए किसी सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेने की जरूरत होती है। ऐसा तब तक करने की आवश्यकता होती है जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इनके निर्यात के लिए विशेष रूप से कोई छूट न दी गई हो। स्कॉमिट सूची को हार्मोनाइज्ड सिस्टम वर्गीकरण के आधार पर इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन के तहत अधिसूचित किया गया है। ITCHS को आयात निर्यात से जुड़े कार्यों के लिए अपनाया गया है। स्कॉमिट सूची को श्रेणी 0 से श्रेणी 8 तक की 9 श्रेणियों में बांटा गया है। स्कॉमिट नियंत्रण सूची सभी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और कन्वेंशंस की नियंत्रण सूचियों के अनुरूप है। खबर के आखिर में बात करते हैं बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के बारे में। पहली है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, दूसरी है वासेनार अरेंजमेंट। इसका संबंध पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों से है। वहीं ऑस्ट्रेलिया समूह का संबंध रासायनिक और जैविक हथियारों से है। और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG एक असैन्य परमाणु सामग्री और परमाणु उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से जुड़ा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि NSG के अतिरिक्त भारत बताए गए सभी समूहों का सदस्य है। अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर का। फूड सिस्टम इकोनॉमिक्स कमीशन FSEC ने द इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट जारी की। FSEC एक स्वतंत्र एकेडमिक कमीशन है। इसे खाद्य एवं भूमि उपयोग प्रणालियों में रूपांतरण लाने के लिए राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लेने वालों को सक्षम बनाने हेतु स्थापित किया गया है। इस रिपोर्ट में खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण लाने की बात कही गई है। यह रूपांतरण समावेशी, स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय वैश्विक खाद्य प्रणाली पर आधारित होना चाहिए। वहीं खाद्य प्रणाली में खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उपभोग एवं उनके आर्थिक स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय परिणामों से जुड़े सभी घटक एवं गतिविधियां शामिल होती हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि मौजूदा खाद्य प्रणालियों की लागत उनसे होने वाली वैश्विक समृद्धि से कहीं अधिक है।
स्वास्थ्य लागत के चलते होने वाले गैर संचारी रोगों के प्रसार से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी लागत लगभग 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। पर्यावरणीय लागत की बात करें तो हर साल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि से होने वाली पर्यावरणीय क्षति लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। वहीं वैश्विक खाद्य प्रणाली काफी असंधारणीय तरीके से आगे बढ़ रही है और मौजूदा नीतिगत व्यवस्था इसे ठीक करने में सक्षम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैश्विक खाद्य प्रणाली 2050 तक वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 33% भाग के लिए जिम्मेदार होगी। FSD को अपनाने की लागत सालाना 200 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। हालांकि इन्हें अपनाने से सालाना लगभग 5 से 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ होगा। FSD अल्प पोषण को समाप्त करने, किसानों के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने और निवल कार्बन सिंक वाली खाद्य प्रणालियों के विकास में भी सहायक हो सकता है। इस रिपोर्ट में FSD के लिए 5 व्यापक प्राथमिकताओं का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य वर्धक खाद्य एवं पेय पदार्थों का इस्तेमाल करना, कृषि गतिविधियों के लिए सरकारी सहायता में संधारणीयता को शामिल करना, खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण को आगे बढ़ाने के लिए नए करों से राजस्व जुटाना, विशेष रूप से खाद्य प्रणाली में शामिल गरीब श्रमिकों पर ध्यान देते हुए श्रम उत्पादकता और श्रमिकों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए नवाचार पर बल देना, सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए खाद्य पदार्थों को किफायती बनाए रखने के लिए विशेष उपाय करना। अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है वियतनाम। इस देश की राजधानी है हनोई। फिलीपींस और वियतनाम ने अपने तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को व्यापक बनाने एवं दक्षिण चीन सागर में अनचाही घटनाओं को रोकने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वियतनाम देश की राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो इंडो चाइना प्रायद्वीप के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। इसकी सीमा उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया, पूर्व एवं दक्षिण में दक्षिण चीन सागर तथा दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। आखिर में वियतनाम देश की भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। इस देश का प्रमुख पर्वत है एनामाइट पर्वत श्रेणी, प्रमुख नदियां हैं मेकांग और रेड नदी और उच्चतम बिंदु है फांसीपन पर्वत। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। मद्रास हाईकोर्ट ने एक आरोपी व्यक्ति को बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री पद पर बनाए रखने के चलते तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। भारत सरकार नियम 1961 के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर बिना पोर्टफोलियो के किसी केंद्रीय मंत्री को विशेष कार्य की जिम्मेदारियां सौंप सकता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत 8 स्थान फिसलकर 180 देशों के बीच 93 स्थान पर आ गया है। 2022 के CPI इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर था। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप शाला आरंभ किया है। यह स्टार्टअप इंडिया का एक प्रमुख एक्सलरेटर कार्यक्रम है। विश्व बैंक और सिटी ग्रुप ने घाना एवं इंडोनेशिया में 100 मिलियन डॉलर के प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड की शुरुआत की है। PCB वित्त जुटाने का एक नवीन साधन है। इसके तहत प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए निजी पूंजी का लाभ उठाया जाता है। वैज्ञानिकों ने केरल के पश्चिमी घाट से कंगारू लिजर्ड की एक नई प्रजाति की खोज की है। ये पश्चिमी घाट में खोजी गई अगस्त्य गामा जीनस की दूसरी प्रजाति है। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। पोयम 3 स्पेस प्लेटफॉर्म के परीक्षण की लागत बहुत कम है क्योंकि इसके लिए PSLV C-58 यान के अंतिम यानी चौथे चरण PS-4 का उपयोग किया गया है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। वहीं भारत में 30 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है। हालांकि दुनिया के अन्य भागों में यह दिवस जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तमिलनाडु ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है। राज्य ने प्राचीन तमिलनाडु में प्रचलित कुदावोलाई प्रणाली पर आधारित झांकी निकाली थी। इस प्रणाली को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।